जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में आए हैं इस विषय को लेकर कि हिंदुस्तान के नौजवान किसे पसंद करते हैं। अनिश यादव, एम सिस्टम, मनोहर फाल्की, तीनों बिग बॉस के लास्ट सीजनों के विजेताओं को देखो तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। आज की युवा पीढ़ी में मनोरंजन के क्षेत्र में नए चेहरे और कला के क्षेत्र में नए हीरोज, नए आइडल्स उभर रहे हैं। तीन प्रमुख नाम इनमें से मैंने आपको बता दिया जो बिग बॉस के अंदर विजेता हुए, एलविश, एमसी और मनोहर। इन तीनों कलाकारों के बीच में समानता क्या थी? जवानों को आजकल किस प्रकार की चीजें पसंद है? युवा को क्या पसंद है? एलविश, एमसी, मनोहर जैसे इंटरनेट स्टार्स आज की युवा पीढ़ी के बीच में बहुत पॉपुलर है। इनके मजेदार वीडियो, व्यक्तिगत रहनुमाइयत ने उन्हें जल्दी ही युवा के बीच में पहचान बना दी। किसी ने अच्छी शायरी कही, किसी ने रोड साइड डायलॉग्स कहे, किसी ने अलग स्टाइल में अपना ही बताया, मगर आम जनता की भावनाओं को छू लेने वाले इन सब कॉमेडी, शायरी और विचारशील जो बातें हैं, युवा उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। मगर सच ये है कि इन चेहरों को युवा बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन क्या ये समझना चाहिए कि सम्मान और प्रेरणा तो हमेशा विचारशील और सफल व्यक्तियों को ही मिलती है? ये तीनों सफल जिनको मिली, मगर क्यों ऐसा होता है? खास करके मैं माइनॉरिटी के लोगों के लिए बोलूँगा। मेरे मुस्लिम भाई है, हिंदू भी मेरे भाई है, मगर बहुत फॉरवर्ड हो जाते हैं। एक बच्चा मुनावर जो इस बेमली हल्के से निकला, बाहर निकला, उसने नाम बनाया, आपने उसका स्वागत किया, बहुत अच्छा उसने बिग बॉस के अंदर अपना प्रदर्शन दिया, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी चीजें की, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उसको जो सम्मान मिला उसका वो हकदार था, वो डिजर्व करता था। मगर एक कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले, एक बच्चा यूपीएससी की परीक्षा देकर इसी डोमरी से आईएएस बना, उसको इतना ज्यादा सम्मान क्यों नहीं दिया गया? उसको सम्मान देने के लिए बुजुर्ग लोग ज्यादा थे, नौजवान मिसिंग थे। इसमें नौजवान थे, बुजुर्ग भी थे, महिला भी थी मुनावर के अंदर। बट जो आईएएस बना उसको एक प्रेरणा के तौर के पर नौजवान ने भी क्यों नहीं देखा? हमारे यहाँ के बच्चे की ये सब चीजें को भी नहीं देखा है। मुनावर फाल्की बहुत अच्छा कलाकार है, अपनी कविता और कॉमेडी के माध्यम से समाज में अपनी बात कहता है। उन्हें अपनी मेहनत, योगदान के लिए युवा पीढ़ी के बीच में बहुत सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। सिर्फ बिग बॉस से नहीं, उसके पहले से ही उनका चरित्र उन्हें लोगों के बीच में एकदम अलग बनाता है। उसकी बात करने की स्टाइल, सारी चीजें, सब चीजें अच्छी है। लेकिन क्या हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ मनोरंजन के क्षेत्र के ही सितारे समाज की आदर्श व्यक्ति नहीं होते? हमें व्यापार सफलता प्राप्त करने वाले व्यापारी जैसे अजीम प्रेम जी, सिप्ला के मालिक यूसुफ भाई, यूएई का बड़ा ब्रांच मिनी मार्केट के मालिक यूसुफ भाई, रतन टाटा जैसे उद्योगपति, ये सब लोग एक अलग ही लोग हैं। या जो संत मिजाज के लोग हैं जैसे स्वामी प्रेमानंद जी है, राजनीति के अंदर जिसने सफलता प्राप्त की है, स्टेट लेवल पे देखो तो अजीत पवार है, नितिन गडकरी है, नेशनल लेवल के ऊपर ऐसे बहुत से दूसरे लोग हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये सारी फील्ड के अंदर भी नौजवानों को उतरने की जरूरत है, तो इसके लिए उनको उन्हें आइडल मानना पड़ेगा। अमन गुप्ता को देखो बोर्ड के अंदर, यानी एक एज होती है आपकी जब आप किसी को आइडल मान के बड़ा सोच के चलोगे तो वो आपको फायदेमंद देगा। तो ये करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ कला के क्षेत्र के अंदर ही लोगों को प्रशंसा करना, लोगों के बीच में जाना, उनके लिए ऑटोग्राफ मांगना, यही यूथ का सिर्फ ये काम नहीं होता है। यूथ को अपनी एक पहचान बनाने के लिए आइडल भी उस तरह से ढूंढना होता है। लाखों लोग जाते हैं तब उसमें से एक मुनावर बनता है, मगर आप बिजनेस करके, नौकरी करके, राजनीति के क्षेत्र में होता है कि समाज को सुधार सकते हैं। वो ये सारी चीजें करके दूसरे माध्यम को भी अपनाना बहुत जरूरी है। अपनी पसंद के क्षेत्र में मशहूर होने वाले व्यक्तियों की बहुत प्रशंसा करता है, ये दुनिया जो है वो बहुत ही अलग है। लेकिन यूथ हमारा कहां जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। जो कॉर्पोरेट फील्ड के लोग हैं वो तो रतन टाटा, अजीत प्रेम जी, इन लोगों की प्रशंसा को, आपकी
प्रशंसा की इनको जरूरत ही नहीं है, लोग कमी है, मगर जो नौजवान तबका है, ये व्यापारी, ये नेताओं का, ये अलग अलग विचार रहा है कि लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स का, फिलेंट्रोफर्स का, ये सबके बारे में आपको भी इनको फॉलो करना चाहिए, इनको पसंद करना चाहिए। युवा पीढ़ी को चाहिए कि मनोरंजन के क्षेत्र के हीरोज के अलावा और भी क्षेत्रों में जो हीरो है उनके आदर्शों के माने और समाज को सकारात्मक परिवर्तन देने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है आज के वक्त के अंदर। हम सभी को मुनव्वर फारूकी की उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई देते हैं। उन्हें अपनी कला के माध्यम से हमें हंसाने के लिए, उनकी कविता बोल के हमें कुछ सिखाने के लिए, उस चीज का हम सब धन्यवाद करते हैं, ये पूरा समाज धन्यवाद करता है। इस समय पर हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई है, जो यंगस्टर्स है, जो लोग हैं, वो गहरा सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत यह है कि सिर्फ क्या मुनव्वर फारूकी हमारा आइडल हो सकता है। हमें अपने कलाकारों को समर्थन देना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए, मगर समाज के जो दूसरे तबके हैं, जिससे रोजी रोटी चलेगी, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। युवा पीढ़ी को अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि डोमिनेटिंग इंडस्ट्री हो गई है, खान, पठान, मनोवर नहीं है मेरे भाई, लाखों लोग इसमें चीजें करते हैं तब सफल होते हैं। जो डेडिकेटेड है वो बिल्कुल इसमें लगे हुए, मनोवर को सब पसंद करे, क्योंकि टीवी चैनल्स तो कोई इसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हर आदमी देख रहा है, सब जुड़े हुए हैं, सब पसंद करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई चीज उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। मगर युवा पीढ़ी को अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए व्यापार है, अलग अलग काम है, समाज के अलग अलग जो क्षेत्र है, उसकी योगदान को, किसकी कितना योगदान है, उसमें किसने नाम बनाया है, उसको सराहने का, उसको ऑब्जर्व करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक वक्त है सफलता प्राप्त, जैसे अजीम प्रेम जी सिपला है, दिखाई देता है ना कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के अंदर इनके व्यापार के अंदर कितना बड़ा रोल है, इनका कितना बड़ा योगदान है, इसको नकारात्मक, इसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। राजनीति क्षेत्र के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जिसको नहीं आप हटा सकते कि इनका कुछ भी नहीं है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान हमारा काम योगदान के माध्यम से बनती है, ना कि किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति को फॉलो करने की वजह से। आपकी पहचान आपके खुद की वजह से बनेगी, उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पहचान को महत्वपूर्ण तरीके से ये सोचना है कि हम किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के साथ में हम किस तरीके से आगे साथ में बढ़ेंगे। समझदारी के साथ हम आप सभी को बहुत ही दिल से कहना चाहता हूं कि पहचान बनाइए व्यापार के माध्यम में, काम के माध्यम में, समाज सेवा के माध्यम में, पॉलिटिक्स में, ऑफकोर्स एक्टिंग के अंदर भी, थिएटर्स के अंदर भी, मगर हर तरीके से हर चीज को सोचिए। एक जगह पे अपनी सोच को सीमित मत कर दीजिए। वंस अगेन बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी, बहुत बहुत बधाई हो तुमको, तुमने इस मुंबई का नाम रोशन किया, तुमने हमारा नाम रोशन किया, और तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, लोग तुमको पसंद करते हैं, ऊपर वाला आपको इसी तरीके से कामयाबी देता है, ये शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोगों ने अगर ये मेरी वीडियो देखी है, खास करके टीनेज वाले लोगों ने, तो इसको ध्यान में रखें, सिर्फ एक एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, वहां तक अपनी सोच को सीमित मत कीजिए, सिर्फ वो आपके आइडल नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट के IAS, IPS, IRS, उद्योगपति बड़े बड़े, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस बड़े बड़े जो अच्छा काम कर रहे हैं, संत जो बड़े बड़े हैं, मौलाना जो बड़े बड़े हैं, जो आपको लगता है कि नहीं इनकी बातें, इनकी विचार, ये जो प्रवचन दे रहे, जो बातें कर रहे, ये आपके दिल को बदलेगा। तो हर एक क्षेत्र से अच्छे अच्छे लोगों को चुनिए, उनको फॉलो कीजिए, और उसके पाथ पे चल के ये सोचिए कि आप भी आगे बढ़ेंगे। ये उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। मैं आपका हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रिक वाला, आपका भाई। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।